कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है और दो कटोरी कद्दूकस किया हुआ मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है और हमने लिया है एक छोटी चम्मच घी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर हम एक बर्तन चढ़ाएंगे। अब इसमें हम घी डालेंगे, घी को पिघलने देंगे, गैस यहाँ पर हम धीमी कर देंगे। अब इसमें हम काजू और बादाम डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पर एक मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब एक मिनट हो चुका है, तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब गैस पर हम एक बर्तन चढ़ाएंगे, इसमें हम एक से डेढ़ गिलास पानी डाल देंगे और पानी को हम गर्म होने देंगे। तो अब पानी गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर हम एक बॉल डालेंगे, गैस यहाँ पर हम धीमी कर देंगे। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ चॉकलेट डाल देंगे। इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह से पिघलने देंगे। तो अब चॉकलेट पिघलने लगा है, इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। तो अब चॉकलेट पिघल चुका है, तो अब इसमें हम काजू और बादाम डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब गैस हम बंद कर देंगे, इसमें से हम इस बाउल को निकाल लेंगे। अब सिलिकॉन मोल्ड लेंगे, अब इसमें हम इस घोल को डाल देंगे। अब इसे हम एक घंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो अब एक घंटा हो चुका है, चॉकलेट को हमने फ्रीजर में से निकाल लिया है। अब हम चॉकलेट को इसमें से निकाल लेंगे, इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी चॉकलेट को निकाल लेंगे। तो हमने सभी चॉकलेट को निकाल लिया है, अब चॉकलेट बनकर तैयार है। तो देखिए चॉकलेट कितना अच्छा दिख रहा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखकर महीनों तक खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।